आती तुम सबको? मजा आती, मजा आती। ए भाई भाई, दौड़ाओ मत, दौड़ाओ मत। तो आज हम जा रहे हैं पहलगाम और आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है और मेरा भाई आगे बैठा हुआ है। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पहलगाम और आज व्लॉग सिस्टम स्टार्ट की है, तो आगे कितना किलोमीटर पड़ता है वो मेंशन कर दूंगा मैं। दोस्तों ये है इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर बादाम बाग कैंट के नाम से और काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों आपको मैं पाकिस्तान का टैंक दिखाता हूँ, जो कि 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो टैंक यहीं रह गया था। और दोस्तों ये इंडियन आर्मी का कॉन्वे है जो क्रॉस कर रहा है हमको यहाँ से सामने से। दोस्तों हम पहुँच गए पेम्पोर और ये फेमस है स्पेशली केसर सेफ्रॉन के लिए, तो हम चलते हैं किसान केसर में। भैया हमको बोले कि सबसे बेस्ट यही है, तो यहीं लेके चल रहे हैं। तो हम जाते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या वैरायटीज़ है, क्या क्या है अंदर। दोस्तों अंदर आते ही हमको कावा से वेलकम किया गया, कावा काफ़ी अच्छा था यार यहाँ का, मतलब काफ़ी ज़्यादा मसाले और काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डले हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा कावा। और इनके शॉप्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, देखा कि यहाँ काफ़ी फिल्म स्टार्स भी आए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा शॉपिंग हो गया है, 2-2 ग्राम के सैफ्रॉन लिए। दोस्तों शॉपिंग हो गया हमारा, अब सीधा आगे चलते हैं और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वही लोकेशन है जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था। दोस्तों अनंतनाग क्रॉस करते ही हम एक रेस्टो पे रुके हैं, काफ़ी भूख लग रही थी सभी को, ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं किया था, तो थोड़ा हम रुक के हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का पहलगाम जाते हुए, टेस्ट अच्छा है दोस्तों और काफ़ी गर्मी भी लग रही है हमको। और हमने पकोड़े भी ऑर्डर किए, पकोड़ा भी अच्छा लगा टेस्ट में, और सीधा खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों इसी दरगाह में बजरंगी भाईजान मूवी का गाना शूट हुआ था, भर दे झोली, काफ़ी फेमस वो कवाली है, आप सुने होंगे, तो ये वही दरगाह है। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है श्री अमरनाथ जी का यात्रा और ये कैंप है जहाँ पे मेडिकल चेकअप्स और सभी चीज़ें चेक होती है, फिर यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे है सेल्फी पॉइंट पहलगाम का, तो फोटो वोटो क्लिक कराते हैं और काफ़ी अच्छे लोकेशन है, बैकग्राउंड तो काफ़ी ज़ोरदार है यार, मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दूंगा, काफ़ी सुंदर यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रही थी और लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी बहुत अच्छा लगा लोकेशन। फ़ोटोशूट हो गया दोस्तों, अब सीधा चलते हैं पोनी राइड लेने के लिए और क्या प्राइस है मुझे पोनीज मिले हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा नीचे पे। दोस्तों अपन आ गए पोनी राइड करते हुए, जा रहे हैं भैसारण की तरफ और 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट का फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगा। और सिस्टर और मेरी वाइफ पीछे है और अपना भाई। दोस्तों बस चलते चलते कुछ रास्ते ऐसे दिखे कि सबके होश उड़ गए, इतना खतरनाक रास्ता था यार ये पोनीस का, मैं आपको दिखाता हूँ आप भी डर जाओगे, इतने खतरनाक रोड पे हम हॉर्स राइड पे आए हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट आने वाले हैं बस थोड़ी देर और, रोड काफ़ी खराब है दोस्तों, कानी मार्ग में फर्स्ट स्टॉपेज था पोनी राइड का और फोटोशूट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैम से, कानीमार का जो फोटोशूट पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये वो प्लेस था जहाँ हम फोटोशूट कराए थे कानीमार में। आप सीधे चलते हैं, घोड़े वाले भैया हमको बुला रहे हैं, सिर्फ 10 ही मिनट हमको यहाँ पे मिला फोटो क्लिक करने के लिए। अब सीधा चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो इसका यहाँ बादल जिसमें मैं बैठा हूँ और सामने जा रहा है राजू,
और भूमेश भाई भी उसी में बैठे हुए, और बहन और वाइफ दोनों आगे चल रहे हैं, काफ़ी आगे हो गए। और रोड तो भाई खतरनाक रोड है ना, बहुत खतरनाक रोड लग रहा है। देखते जाओ आगे, दिखाता हूँ सेकंड पॉइंट जहाँ रुकेंगे। एक्सपीरियंस तुमको रोड है क्या? डर लगा मेरे को, डर लगा तुमको बच्चे, डर निकलना है इधर आके मस्ती आने का। तो दोस्तों ये है वाटरफॉल पॉइंट, चलो आगे चलते हैं। ये है यहाँ का सेकंड पॉइंट वाटरफॉल। तो अपन अब चल रहे हैं थर्ड पॉइंट की ओर, हमारा वाटरफॉल सेकंड पॉइंट हो गया है, तो सीधा चलते हैं थर्ड पॉइंट, वहाँ का आपको दिखाता हूँ। दोस्तों काफ़ी खतरनाक रास्ता था, भैया हमको गाइड करते हुए ले जा रहे हैं। और दोस्तों अब चौथे पॉइंट पर जाने की तैयारी हो गई है, काफ़ी खतरनाक रूट है यार, हम तो बर्फ के पास आने वाले हैं, बहुत खतरनाक राइड था। पीछे है ये व्यू है जो हम जा रहे हैं, पॉइंट है पूरे जहां गांव बसा हुआ था, जो केसूर बोल रहे हैं ना, यहां वो रहते थे, उनको आपने ले गया? अच्छा, यहां पे पूरा रहते थे तो उनको बह के पानी से बहा के सबको ले गया है, ले गया गया था, तब से यहाँ कोई नहीं रहता, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये। यहाँ मेरी बीवी उधर जाती, थोड़ी भागती कहाँ है तू, थोड़ा उसका लगाम तू पकड़ती तब सही चलती। अरे ये समझ गई मेरी बीवी तुम हो, तुम सबको हाँ मजा आती तुमको आती कि नहीं आती, लगती तुमको काफी मजा आ रहा है पहलगाम में ये पोनी राइड करते हुए। और काफी खतरनाक रोड है यार, मतलब बहुत डरावना डेंजरस रोड है, काफी बारिश में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा घोड़े को चलने में। वैसे बहुत सुंदर है यार, अगर आप आए पहलगाम तो जरूर राइड करें यहाँ का। ये भाई जान का जो पेड़ में आग लगा था, और यहाँ पे ही शूट हुआ है जो मुन्नी का घर वाला जो सीन है, पूरा यही शूट हुआ था, यही है यहाँ पे जो शॉट हुआ था बजरंगी भाईजान का, और यहाँ से मुन्नी आई थी बता रहे थे। और ये पूरा मैदान लिया हुआ था शूटिंग के लिए, काफ़ी सुंदर प्लेस है यार, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। दोस्तों मैं आ गया हूँ बैसारन में, बैसारन जो कि है मिनी स्विट्ज़रलैंड, मैं आपको जाके पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये वही प्लेस है जहाँ बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ है, जिसमें मुन्नी भागते हुए आती है, तो काफी सुंदर सा प्लेस है। तुमको कैसे लगती है? बहुत ही अच्छा प्लेस है, सबको जरूर आना चाहिए ये प्लेस, बहुत अच्छा प्लेस है। दोस्तों आप जरूर आइए बैसारन जो कि है मिनी स्विट्जरलैंड, और काफी सुंदर सा प्लेस है यार, मतलब बहुत सुंदर है, काफी सुंदर प्लेस है दोस्तों, काफी ज्यादा सुंदर। मैं आपको ये 4K में शूट करके दिखा रहा हूं। दोस्तों हमको मिल गया शेप यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए, ये शीप से लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, और ये क्यूट सा बच्चा उसी का शीप है ये, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये है शीप इसके साथ फोटो ले रहे हैं। मैं सारण था मिनी स्विट्जरलैंड, अब यहाँ फोटो शूट हो गया है, अब सीधा निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, काफी सुंदर लोकेशन है यार, लेकिन मजा आ गया। हमारा घोड़ा उधर वेट कर रहा है, चलते हैं, भैया भी बुलाने आ गया कि बारिश हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम चलते हैं यहाँ से। निकल गए हम बैसारन से, घोड़े पे बैठ गए हैं, और दो पीछे हैं हमारे। तो दोस्तों ये आ गए हम पहलगाम वैली, ये भी काफी सुंदर है, और काफी सुंदर है। हम घोड़े से नहीं उतर रहे दोस्तों, अब काफी थक गए, सातवां पॉइंट था हमारा ये, अब सीधा निकलते हैं, काफी सुंदर है ये भी, काफी खतरनाक रोड है यार। तो दोस्तों ये ब्रिज है जो पार कर रहा है मेरा घोड़ा, घोड़ी अभी पीछे आ रही है। ए भाई ये दौड़ा मत, दौड़ा मत। ये मेरा घोड़ा था जो काफी मजा आया इसको बैठ के, काफी मजा आया इसे बैठ के। अरे भाई आराम से,
बहुत जबरदस्त है, सफी कैसा लगा सबको घोड़ा का सवार करके? बहुत मजा आया, थोड़ा सा कॉस्टली था बट अब सोचो अब आए हैं तो कर ही लेते हैं यार, ऐसा सोच के हम चले गए, ठीक है। बट बस दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बेताब वैली के लिए, और ये कुछ ऐसा यू टर्न टाइप का रास्ता है और काफ़ी घाटी वाला रास्ता है, तो नीचे आप देख सकते हो कि पूरी पार्किंग है कार्स की, और वहीं अपन गाड़ी पार्क करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों ये इंजर्ड हो गई है, हॉर्स राइडिंग करते करते थोड़ा सा पैर में चोट आई है, और वाकई देखो यहाँ से मैं आपको दिखाते हुए बेताब वैली स्टार्टिंग पॉइंट। ये है दोस्तों बेताब वैली का, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देख के। काफ़ी सुंदर है यार, मतलब मुझे तो बस सारण से ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है अभी तो, वो भी सुंदर है बट ये भी काफ़ी सुंदर है यार। बेताब वैली अगर नहीं आते तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता हमसे। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आया हमको बेताब वैली में एंजॉय करने से, और काफ़ी सुंदर भी है, और बस सीधा चलते हैं। और वैसे 100 रुपये मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, और आइए बस विजिटर। तो हम आ गए पहलगाम से, अब सीधा चलते हैं रूम, और काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज गया। तो आप अभी भी बने हुए मेरे चैनल में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते हैं एक और नए धमाकेदार ब्लॉग में।